बांडीपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले 3 लोग घायल हुए और दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है कि उन तीनों में से एक की जान चली गई है। इस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाकया हुई है और जो नाम सामने आए हैं आपको बता दूं, बिलाल अहमद डार है, रफीक अहमद डार है और सलीम अहमद डार है। ये तीनों गांदरबल के गुंदरोशन नारायण बाग से ताल्लुक रखते हैं, वहां के रहने वाले हैं और बांडीपुरा में एक हादसे का शिकार हुए। जिस गाड़ी में आ रहे थे वो गाड़ी पलट गई, जिसके बाद एक शख्स की मौत वाकया हुई है। सलीम अहमद डार को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। और आपको बता दूं बांडीपुरा जो श्रीनगर हाईवे है वहां पर यह हादसा हुआ है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे जहूर ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर बताइएगा किन हालातों में यह हादसा पेश आया, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है वहां। देखिए प्रियंका, ये जो रात के आज दरमियान रात को जो है बताया जा रहा है, यहाँ पे जो है इलाका है शिलवा सुम्बल, वहाँ पे जो है हाईवे जो बानीपुर श्रीनगर जो हाईवे है वहाँ पे जो है ये शिलवत विलेज जो है वहाँ पे एक एक्सीडेंट रात को पेश आया है। उसमें जो है 3 लोग जो सवार थे, एक मावती कार थी जो है वहाँ पे जो है गांधरबल से ताल्लुक रखते 3 लोग जो सवार इसमें थे, उसमें से एक तीनों को जो पहले जो है कॉमेडी हेल्थ सेंटर जो सुम्बल लाया गया था, तो वहाँ पे जो है इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर साहब ने देखा, लेकिन सलीम जो एक इसमें इंजर्ड पर्सन था जो है उसको बचाया नहीं था, वो बहुत ब्रॉड डेड करार दिया था डॉक्टर साहब ने। लेकिन जो 2 थे वो भी डॉक्टर साहब से बात जब की तो उन्होंने बताया था उनकी जो हालत थी वो गंभीर थी, लेकिन उनके बाद जो है श्रीनगर उनको जो है मजीद इलाज मुआवजा के लिए भेजा गया था और वहां पे जो है इनका जो अभी इलाज है और जो जहाँ पे जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में इनका जो है FIR भी दर्ज किया गया है और तहकीकात शुरू कर दी है क्या वजूहत है, किस वजह से ये जो एक्सीडेंट आया। हालांकि रात अंधेरे में ये एक्सीडेंट हुआ है बताया जा रहा है कि रिपोर्ट ने भी सोर्सेस के हवाले खबर मिल रही है कि 2 बजे रात को ये एक्सीडेंट शायद हुआ है और उनको जो है सुम्बल हॉस्पिटल भी लाया गया था, लेकिन उसकी जो है फिर बॉडी उनके लवाकिन के हवाले भी कर दिया गया है आखिरी रसूमात के लिए। लेकिन जो 2 इंजर्ड पर्सन है वो श्रीनगर हॉस्पिटल में अभी इलाज है और इनका इलाज मुआवजा चल रहा है, लेकिन डॉक्टर उनको यहाँ क्रिटिकल करार दिया था, लेकिन अभी भी जो उनकी जो है इलाज मुआवजा। कौन सी गाड़ी थी ये और किस लापरवाही के चलते पलटी, या फिर स्पीड में थी, या कुछ पता चल पाया है क्या कारण बताया जा रहा है पलटने का? अगर देखिए प्रियंका, अगर ये दिन का माहौल होता या डे में होता था तो आई विटनेस ऑब्वियसली वहां होते, लेकिन ये एक्सीडेंट जो रात को हुआ था या ये वही लोग बता देंगे जो वहां पे इसमें सवार थे, अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में बात करने से अभी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे जो जैसे बॉडी लग रहा है भयानक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है गाड़ी का उससे अंदाजा लगता है कि एक्सीडेंट बहुत जल्दी, क्या ये तेज रफ्तार में चल रहे थे या कुछ आगे आगे या कुछ लाइट का इशू था, तो ऐसे में अभी जो है कहना आज कबल वक्त मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है रात के अंधेरी में हुआ है और इसके जो है बाकी जो 3 इंजर्ड हुए उसमें एक दम तोड़ बैठा है और 2 अभी जेर इलाज है, वो श्रीनगर के हॉस्पिटल में अभी जेर इलाज है। प्रियंका चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जरूर ज्वाइन करने के लिए। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं, दर्दनाक हादसा रात के 2 बजे हुआ है और उस वक्त लाइट बहुत अंधेरा भी होता है और फिलहाल कारण सामने नहीं आया है कि स्पीड की वजह से हुआ है या ज्यादा वहां पर इतनी रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे ही कुछ बात सामने आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दुखद खबर यही है कि गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले जो 3 लोग घायल हुए थे, एक जो है एक की मौत इस हादसे में वाकया हुई है।